गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आज नया टॉपिक लेकर आया आपका सामने, परमोबिलिटी फार्मूला। ये परमोबिलिटी फार्मूला क्या होता है मैं आपको समझाएंगे। अभी फार्मूला बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। परमोबिलिटी मतलब है मेन है, पन्नेस में गैसेस परमोबिलिटी बटन परमोबिलिटी रिलेशन क्या है पहले जानना चाहिए। अभी देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बटन परमोबिलिटी गैसेस परमोबिलिटी है सिमिलर कैसा रहेगा, ये कंफ्यूज पॉइंट है। उसको अवॉइड करने के लिए मैं छोटा से फार्मूला लेकर आया, परमोबिलिटी फार्मूला। ये फार्मोबिलिटी रिलेशन में मेन है कोल ब्लास्ट जो वॉल्यूम है, कोल ब्लास्ट वॉल्यूम में फॉर आवर है जितना जा रहा है उसको लेना है। सेकंड थिंग है पर्नेस जो आउट ब्लास्ट प्रेशर है, मतलब पर्नेस में डिफरेंशियल प्रेशर लेना चाहिए। सेकंड पैरामीटर है मतलब है डिफरेंशियल प्रेशर, मतलब है पर्नेस बॉटम प्रेशर माइनस टॉप प्रेशर। जनरली अभी जितना मेंटेन हो रहा है उसी के साथ हैं, आप ये पैरामीटर्स लेके अपना तरीका से वो फैक्टर निकालिए। मेन है बटन परमोबिलिटी अभी फास्ट है, गैसेस परमोबिलिटी हैं स्लो हैं। इसका रिलेशन में पढ़ने से अंदर हैं जो जोन्स हैं चेंजेस होता है, वो चेंजेस हैं और मतलब है जोन्स हैं शिफ्टिंग हो जाता है। वो जोन्स का जैसा शिफ्टिंग हो रहा है पर्नेस इरेगुलर कंडीशन में जाएगा। फर्स्ट स्टेप में अभी कंक्लूजन लेना चाहिए, मतलब है ये जोन्स हैं 100% हैं, 18 पैरामीटर के साथ हैं अभी पर्नेस चला रहे हैं, एक कंक्लूजन आपको आना चाहिए। वो कंक्लूजन है आने के लिए ये फार्मूला थ्रू है आप पैरामीटर्स अप्लाई कीजिएगा, जो कंफ्यूज पॉइंट है अवॉइड हो जाता है। अभी मेन है ये फार्मोबिलिटी है जनरली 8 to 9 मेंटेन होता है। 8 to 9 मतलब है अभी अपना पढ़ने से स्टेबल पैरामीटर्स का साथ है पढ़ने चल रहा है, एक ही कंक्लूजन आना चाहिए। इसीलिए हम जो फार्मूला का साथ हैं 8.33 8.66 9.02 जो ये फैक्टर का साथ हैं जो रिजल्ट हैं कोल ब्लास्ट इन वॉल्यूम पर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर ये साथ हैं, मैं आपको ये 8.33 8.66 9.02 ये रेशियो में मैं आपको समझाएंगे। ये रेशियो में ये रिलेशन में क्यों लिया आपको समझना चाहिए, मतलब है इसमें जो 8% का जो परमोबिलिटी है बिलो 8 आने से पढ़ने से 8 कंडीशन में जाएगा। जैसा 9 से ऊपर जा रहा मतलब है बटन परमोबिलिटी है जो रेशियो के साथ हैं चार्जेस रेट हैं बढ़ते जाएगा, पढ़ने से ठंडा का कंडीशन में जाएगा, मतलब है गैसेस परमोबिलिटी बढ़ेगा। मतलब है ऐसे है कि बटन परमोबिलिटी स्लो जैसा नहीं है, मतलब है सर्टेन टाइम में और चार्जेस रेट बढ़ने के बाद हैं फ्यूल रेट के साथ हैं आपका पढ़ने में और जो हार्ट मेटल है ज़्यादा बनेगा और पर्नेस अंदर है जितना फ्यूल रेट रहना है वो फ्यूल रेट मेंटेन हो नहीं पाता है, उसका चलते पर्नेस से ठंडा का कंडीशन में जाएगा, मतलब कोल्ड कंडीशन में जाएगा। मतलब है इसमें कोल्ड कंडीशन है हार्ट कंडीशन है, इससे पहले वीडियो में आपको समझाया, मतलब है सिलिकॉन है रेफरेंस लेना है। अभी जैसा 1% से ऊपर जैसा सिलिकॉन जा रहे हैं मतलब पढ़ने से हार्ट कंडीशन है, बिलो 1% जैसा सिलिकॉन जा रहे हैं
ये कोल्ड कंडीशन में पकने जा रहा है, मतलब ये सिलिकॉन का रेफरेंस के थ्रू है। ये गैसेस परमिएबिलिटी फैक्टर भी अप्लाई करना, एवरी कैस्टिंग है सिलिकॉन का रेशियो क्या है, पन्नेस का परमिएबिलिटी फैक्टर क्या है, ये दोनों चीज़ें रिलेशन में अप जाने से 20-30% है पन्नेस पैरामीटर्स हैं, अप्लाईबल प्रोसेस है, आपको कंफ्यूज अवॉइड हो जाता है। अभी ऐसे बोलते जाएगा तो बहुत कुछ है, अभी इसमें सर्टेन पैरामीटर्स का साथ है, मैं आपको समझा रहा, सुनते रहिएगा। अभी इसमें विंड वॉल्यूम है जनरली, अभी पन्नेस में जितना एक्सेप्ट कर रहा वो मैक्सिमम स्टेबलाइज विंड वॉल्यूम का फैक्टर में लेना है। नंबर 1 है कोल्ड ब्लास्ट वॉल्यूम, सपोज है कोल्ड ब्लास्ट वॉल्यूम है 65,000 चल रहा है, मतलब है पन्नेस डिफरेंशियल प्रेशर है 1.25 फैक्टर लेने से, जनरली 1 लेना है, 1 लेने से आपको पन्ने से स्टेबलाइज रहेगा, CO बाई CO2 फैक्टर भी है 1.2-1.3 मेंटेन होगा, एटा CO2 38-42 जो परसेंट मेंटेन होना है, ये सर्टेन पैरामीटर्स मेंटेन होने पर ये रेशियो आंसर आपको ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा। ये फैक्टर में प्रोडक्टिविटी 4.5 तक आप मेंटेन कर सकता है। अभी इसमें 1.25 फैक्टर का साथ है 65,000 डिवाइडेड बाय पन्नेस डिफरेंशियल प्रेशर कितना है 1.25, पन्नेस डिफरेंशियल प्रेशर है 1.25 फैक्टर का साथ है, उसमें हम लोग और मिनट में आवर में ये कन्वर्ट करना है, मतलब अभी इसमें जितना 1 घंटा में कितना मिनट है 60 मिनट है, अभी उसमें मिनिमम पैरामीटर्स का साथ है उसमें कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब है इसका मतलब है कि 65,000 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, ये करने से आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 8.66। ये 8.66 जो परमोबिलिटी है ये तो स्टेबलाइज परमोबिलिटी का फैक्टर है, 8.66 जैसा आया इसमें स्टेबलाइज है प्रीवियस कैस्टिंग में जितना सिलिकॉन मेंटेन हो रहा है, अभी उस टाइम में परमोबिलिटी क्या है कंक्लूजन लेना है। अभी ऐसा कंडीशन में आप अप्लाई करके जाने पर पन्ने हमेशा स्टेबलाइज पैरामीटर से अप्लाई होता है, इसका पैरामीटर्स चेंज हो रहा मतलब HBT है कांस्टेंट रखना चाहिए, जितना कांस्टेंट रहेगा अपना रैफ्ट स्टेबलाइज होगा, रैफ्ट का थ्रू है अपना जो रिड्यूसिंग गैसेस हैं जो बोरोड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है 2C+O2 2CO स्टेबलाइज हो जाता है, यही CO पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन है, सर्टेन टाइम में आपको पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएगा, Fe2O3 से Fe3O4, Fe3O4 से FeO, FeO से Fe मेटालिक, शॉर्ट टाइम में ये पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ेगा, ये सर्टेन लिमिट है मतलब है 8.66 है। अभी जनरली आपको फैक्टर लेना मतलब है कंक्लूजन के लिए 8.5 लेना है, मतलब 8.66 हम ले रहे 9.02, मतलब है 8.59, ये तीनों फैक्टर का साथ है, अभी विंड वॉल्यूम में जितना जा रहा है पन्नेस डिफरेंशियल प्रेशर क्या है और है उसमें अपना सिलिकॉन किस रेशियो में चल रहा है, ये कंक्लूजन आना चाहिए आपको। अभी इसमें 65,000 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 करने से कितना आया 8.66, 8.66 का साथ है आपको पढ़ने से पैरामीटर्स अप्लाई कीजिए, उसका कोहेसिव जोन कंडीशन क्या है मेन है, टॉप टेम्परेचर्स क्या है और है परमेबिलिटी जो रेशियो का साथ है उसमें जोन्स हैं किस कंडीशन में जोन्स मेंटेन हो रहा है,
मतलब है टॉप टेम्परेचर से अपरनेस टॉप टेम्परेचर से 120 to 150 मेंटेन हो रहा है कि उसमें नीचे लेवल में है कि ऊपर लेवल में, ये कंक्लूजन आना चाहिए। CO by CO2 फैक्टर क्या है, एटा CO2 उसका थ्रू है निकलना, ऐसी निकलने से ये पैरामीटर्स अप्लाई करने से एक कंक्लूजन आपको आ जाएगा, वही कंक्लूजन है हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इसका मतलब है अभी 8.66 आ गया, और दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, पर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर है 1.2 फैक्टर लेने से 65,000 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया 9.02, मतलब 9। ये देखिए पर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर है जितना कम होते जा रहे हैं, मतलब है परमोबिलिटी बढ़ेगा, उसका साथ है बर्डन, मतलब है पर्नेस में इंट्रोड्यूस करना, मतलब चार्जेस रेट बढ़ाना। अगर 9.02 जा रहा मतलब है, इसका मतलब है कि पर्नेस है कोल्ड कंडीशन में जाने का संभव रहेगा, मतलब है उसको हम लोग बैलेंस करना, मतलब 8.69 मतलब है 0.4 जो परसेंटेज का जो गैसेस हैं बर्डन को बैलेंस करके आपको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना। 8.25 फैक्टर में ये रेशियो के साथ मेंटेन करने पर आपको पर्नेस ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होगा, पर्नेस है कोल्ड कंडीशन में नहीं जाएगा। अभी इसमें एक ही कंक्लूजन आना है, 9 से ऊपर जा रहा मतलब पर्नेस कोल्ड कंडीशन में जा रहा, मतलब है सिलिकॉन है आपको कम होते जा रहा है, यही कंक्लूजन आपको आना चाहिए। कभी कभी है वो सिलिकॉन है कम हो रहा है लेकिन गैसेस परमोबिलिटी है 8 रहेगा, इसका मतलब है कि अपना एक कंक्लूजन आना चाहिए पर्नेस इरेगुलर कंडीशन में चला गया, मतलब यही कंक्लूजन आना है पढ़ने से रेगुलर कंडीशन में चल रहा है कि इरेगुलर कंडीशन में चल रहा, ठीक है। 9 आ गया आपको, ये 9 से 8.6 के बीच में अब बर्डन चार्जेस रेट का साथ है, 6 जा रहा है कि 5.8 जा रहा है कि 5.5 एवरेज जा रहे हैं, अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, मतलब है 16 to 16.5 17 ये चार्जेस वॉल्यूम का साथ है, ये फैक्टर है स्टेबलाइज होना चाहिए, मतलब चार्जेस वॉल्यूम जैसा जा रहा है मेन है स्लैग वॉल्यूम में स्टेबलाइज भी देखना है, स्लैग वॉल्यूम उसमें बटन में जितना आ रहा है कंक्लूजन आना चाहिए। ये फैक्टर का साथ है, ये बटन पैरामीटर्स गैसेस पैरामीटर्स हैं, मिनिमम न्यूट्रल करने के लिए वो रिलेशन है, मैं आपको समझाते जा रहा है। अभी 9 आ गया, अभी उसके बाद है 1.3 डिफरेंशियल प्रेशर है बढ़ गया, मतलब पर्नेस प्रेशराइज्ड कंडीशन जैसा हो गया, पर्नेस से टैप होल का इश्यू हो सकता है, वो दूसरा पैरामीटर इश्यू भी हो सकता है बर्डन में फाइन जनरेशन जो भी है। अभी एक ही कंक्लूजन आना चाहिए पर्नेस प्रेशराइज्ड है और बटन में फाइंस का चिलते हो रहा है कि टैप होल का रेगुलर जो टैप होल शॉर्ट लेंथ है फुल लेंथ है वो रिलेशन में टैप होल प्रेशर का चिलते पर्नेस प्रेशराइज़र हो रहे हैं, एक कंक्लूजन आना चाहिए। अभी 9 हो गया, अभी तीसरा फैक्टर है डिफरेंशियल प्रेशर है 1.3 65,000 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया 8.33। इसका फैक्टर है 8.33 है, हम तीन फैक्टर के थ्रू मैं आपको समझा रहा, 8.33 8.66 9.02 ये तीन फैक्टर में अभी 8.33 आ रहा मतलब है ये डिफरेंशियल पर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर है बढ़ते जा रहा, यही कंक्लूजन आना चाहिए। इसका मतलब है कि टॉप प्रेशर है लोअर ग्राफ पे, मतलब है कम होते जा रहे टॉप प्रेशर है, मतलब है
पढ़ने से आठ ब्लड प्रेशरें बढ़ते जा रहे हैं। इसका रिलेशन में पीसीए का इंजेक्ट रेट का परसेंट भी है, रिलेशन में रहेगा। ये सब है तीन पैरामीटर्स ऑब्जर्वेशन करना, बटन में फाइंस जा रहा है कि टैप शॉर्ट लेंथ है कि फुल लेंथ है, पीसीए रेट है, मिनिमम पैरामीटर्स हैं। ये तीन रिलेशन में आपको पढ़ने चलाना है। अभी 8.33, 8.66, 9.02 तीन फैक्टर में आपको फैक्टर में ले लिया। अभी सडनली है आपको 8.66 से 8.33, 7.55 ऐसी जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या पर्नेस आर्ट कंडीशन में जा रहा है। कोहिसू जोन में सिलिका एटम्स हैं, पूरा हाइट है उसका, जो सिलिका हाइट रहेगा वो हाइट का परसेंटेज है बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि बर्डन मूवमेंट है ठीक से नहीं रहेगा। जितना पार्नेस में गैसेस हैं वो रिस्ट्रिक्शन कंडीशन में जाएगा, मतलब है पार्नेस है इरेगुलर कंडीशन में जाने का फर्स्ट स्टेप यही कंक्लूजन आपको आना चाहिए। इसका मेन है अभी पढ़ने से हार्ट कंडीशन में जा रहा, मतलब है बिलो 8 होने से परमेबिलिटी जो फैक्टर रिजल्ट है बिलो 8 रहने से पढ़ने से हार्ट कंडीशन में जाएगा। अभी 9 का ऊपर रहने से बर्डन है और मतलब चार्जेस रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका चलते पढ़ने से कोल्ड कंडीशन में जाएगा। सिलिकॉन है कम ग्राफ मतलब कम ट्रेंड में रहेगा, मतलब जैसा 1% 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 ये रेशियो में जाने का संभव रहेगा। अभी 8.33 8.66 9.02 का फैक्टर का साथ है मैं आपको समझाया। अभी आप भी ये पैरामीटर्स का रिलेशन में आप अप्लाई कीजिएगा, आपको एक कंक्लूजन आ जाएगा। एक ही देखना है पर्नेस हमेशा है 8 चल रहा है कि 8.5 चल रहा है कि 9 चल रहा है। मैं कंक्लूजन आपको आने के लिए 8.33 8.66 9.02 फैक्टर का रिलेशन में मैं आपको समझाया अपना पैरामीटर्स लेके। आपका जो पैरामीटर चल रहा है वो पैरामीटर का साथ है आप भी ये फार्मूला का साथ है आप अप्लाई कीजिए। उसमें परमेबिलिटी है वो 8 आ रहा है कि 8.5 आ रहा है कि 9 आ रहा है। 8 टू 9 बीच में आपको पर्नेस ये फैक्टर मेंटेन करके चलाने पर पर्नेस स्टेबलाइज होगा, टॉप टेम्परेचर ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कंडीशन में रहेगा। मतलब है इसका जो भी पैरामीटर्स हैं बाईपास में जा रहा, मतलब है पढ़ने से इरेगुलर कंडीशन में जा रहा, कंक्लूजन का फर्स्ट स्टेप यही है ठीक है। अभी इसमें जो फैक्टर हैं आपको मेंटेन करना है, ये मेंटेन करते आप जाएगा पढ़ने से मूवमेंट है स्टेबलाइज रहेगा, गैसेस परमेबिलिटी बर्डन परमेबिलिटी हमेशा सिमिलर होना है। ये फैक्टर का रिलेशन भी अभी अपना एक कंक्लूजन तो आ जाएगा, मतलब Fe2O3 से Fe3O4 Fe3O4 लाइक दैट FeO Fe2O3 Fe3O4 यूज FeO मतलब क्रूसेट है, FeO Fe मेटालिक है, मतलब है ये पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन है 75% है CO2 25% CO। जैसा आपको 850 टेम्परेचर का पास है ये Fe2O3 100% Fe3O4 बन जाता है, मतलब है FeO Fe2O3। अभी 850 से 980 जैसा आ गया, ये 850 से 980 आपको FeO 100% बन जाता है, मतलब है 50% CO 50% CO2। उसके बाद हैं 75% CO 25% CO2 है, ये 100% है 980 से 1080 टेम्परेचर जैसा मिल गया आपको 100% मेटालिक बन जाता है। ये रेशियो मतलब है ये गैसेस हैं CO पॉस्ट रेट में, ये गैसेस फैक्टर थ्रू हैं ये मेंटेन होने से ये CO गैसें अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं, यही कंक्लूजन आपको आना चाहिए।
850, 980, 1080, ये तीन फैक्टर लीजिए, 8.33, 8.66, 9.02, मतलब 9.02 में ये कंक्लूजन आना चाहिए, मतलब है ये गैसेस से ज़्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है, मतलब उसमें CO भी परसेंटेज देखना है, 1.1, 1.2, 1.3, मतलब है CO बाई CO2, उसमें तीन है, ये टॉप टेम्परेचर्स हैं 110, 120, 130, नहीं तो 120, 130, 140, नहीं तो 130, 140, 150, एक कंक्लूजन रेफरेंस से आप लेना है। यही फैक्टर में कॉमन कॉमन फैक्टर का साथ है, डिफरेंस आप करते जाने से ये 8.33 में बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रेंज में 8.66 फैक्टर में ये चार्जेस रेट का थ्रू है, ये बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रेंज में। अभी 9.02 में जो गैसेस परमोबिलिटी का थ्रू है, फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रेंज में। एक कंक्लूजन अपने से ले लीजिए, वही कंक्लूजन का पॉइंट है, हर दिन है पर्नेस का अप्लाई कीजिएगा, आपको ये कंक्लूजन आ जाएगा, पर्नेस स्टेबलाइज हो जाता है। ये देखिएगा, मैं जो बोल रहा था आपको कंफ्यूज का पॉइंट नहीं है, अपना एक नेचुरल पॉइंट का थ्रू है अब जाइए, जो भी नेचुरल मतलब है अपना ऑटोमेटिकली जो पॉइंट्स हैं आपको बाईपास कंडीशन में सोच नहीं रहना है, मतलब है का रेफरेंस जो ले रहे हैं अभी कंफ्यूज का रेफरेंस पैरामीटर्स अप्लाई नहीं करना, मतलब है कंफ्यूज अवॉइड करना, यही पैरामीटर्स का रिलेशन में आप अप्लाई करते जाइए, आपको प्रोडक्शन जितना मिलना है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मिलेगा लो फ्यूल रेट पे। अभी ICE मेंटेन करते जाइए, आपको ये कोक रेट है जितना कम होना है उतने कम होता है, इसका रेशियो का साथ है 8.5 मेंटेन कीजिए, आपको फ्यूल रेट घटेगा, प्रोडक्टिविटी नॉर्मलाइज एज पर चार्ज के साथ हैं, आपको प्रोडक्शन मिलेगा, यही कंडीशन में आप मेंटेन कीजिए। फाइनली मैं आपको तीन फार्मूला हैं और एक बार समझाएंगे, 8.66 फैक्टर का रिजल्ट है, पैरामीटर्स क्या हैं, 65,000 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड है 9.02 के लिए पर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर है, मैं लिया 1.2, 65,000 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, कितना आया 9.02। उसके बाद है डिफरेंशियल प्रेशर है पर्नेस आर्ट कंडीशन में जा रहा है रेफरेंस के लिए, ये कितना आ रहा है 8.33, पर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर कितना है 1.3, 65,000 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 60, कितना आया आपको 8.33 डिवाइडेड बाय, अभी 60 करने के बाद है उसको फैक्टर 100 करने से आपको पॉइंट में आ जाता है, मतलब 833 आने से डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा, अभी 8.33 हो गया आपको फार्मूला। लास्ट फार्मूला क्या है, 65,000 डिवाइडेड बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, आपको 8.33 आ गया, यही है 8.33, 8.66, 9.02, ये फैक्टर का साथ है। बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन आपको मेन देखना चाहिए, जितना अपना ये चार्जेस रेट हैं जा रहे हैं ये भी देखना है, अभी पर्नेस पैरामीटर को थ्रू अप्लाई करने से चार्जेस रेट हैं आज सरेंडली अभी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि पर्नेस से कोल्ड कंडीशन में जाएगा, उस कंडीशन में हवा है एक्सेप्टेंसी ज़्यादा रहेगा, उसको हवा का एक्सेप्टेंसी ज़्यादा रहने से आप ऐसी नहीं चलाना, अगर पढ़ने से कोल्ड कंडीशन में रहने से तुरंत हैं अभी हवाएँ
सम परसेंटेज है घटाना है। ये घटाने से आपको 8.66 फैक्टर में आ जाएगा। आपको पढ़ने से स्टेबलाइज होगा, मतलब है कूल कंडीशन में नहीं जाएगा, हॉट कंडीशन में नहीं जाएगा, मीडियम कंडीशन में पढ़ने से एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। यही कंक्लूजन है। 8.5 से 8.8 जा रहा, मतलब है सम परसेंटेज है कोल्ड गैसेस है कोल्ड पैरामीटर से अप्लाई हो रहा है, यही कंक्लूजन आपको आना चाहिए। 8.5 से 8 आ गया, पढ़ने से हार्ट कंडीशन में जा रहा है, मतलब है पढ़ने में जो हार्ट एटमॉस्फेयर है ज़्यादा हो रहा है, मतलब है कार्बन परसेंटेज है पढ़ने में ज़्यादा जा रहा है, उसको थोड़ा रेट घटाना, मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस परसेंटेज है ज़्यादा जाने से आपको ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कंपाउंड है जो जाएगा Fe2O3 है आपको पन्नेस में इंट्रोड्यूस करना है, मतलब है पन्नेस में चार्ज करना। ये चार्ज करने से Fe/C मेंटेन करने पर आपको Fe/C हल्का परसेंटेज बढ़ाना, बढ़ाने से आपको ये जाने के बाद है जैसा ये जा रहा है परमोबिलिटी है 8.5 में आ जाएगा, ये जाके उसको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो भी हैं बैलेंस करेगा। आपको गैसेस हैं जो स्टेबलाइज हैं, काउंटर करंट रिएक्टर प्रोसेस हैं जो एग्जैक्टली मेंटेन होना है वही मेंटेन होगा, मतलब बर्डन परमोबिलिटी गैसेस परमोबिलिटी सिमिलर रेशियो में लेके आ सकते हैं ये फैक्टर्स अप्लाई करने से। यही देखना है आपको 8.5, 9 ये तीनों का फैक्टर का थ्रू है आपको चार्जेस रेट हैं HBT हैं टॉप टेम्परेचर हैं रैफ्ट ऑटोमेटिकली HBT से रैफ्ट मिलेगा PCA रेट हैं टैप होल का शॉर्ट लेंथ है वो 5-6 पैरामीटर्स हैं आप कंक्लूजन लेके अप्लाई कीजिएगा आपको ये कन्फ्यूज नहीं रहेगा पढ़ने से हमेशा स्टेबलाइज रहेगा। एक वाल प्रीवियस डे में जितना प्रोडक्टिविटी मेंटेन किया उतना प्रोडक्टिविटी आपको ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा, मतलब है हाईएस्ट प्रोडक्शन में लोअर लो फ्यूल रेट में आपको हमेशा पालने से हार्ट मेटल आपको मिलेगा। धन्यवाद।